हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक और फ्लिंटो क्लास का वीडियो लेकर, जो कि है थर्ड मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। और इसमें मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ कि थर्ड मंथ में मेरे बेटे ने क्या क्या किया और इसमें क्या सारी चीजें होती है, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और इसके पहले भी मैं तीन वीडियो और फ्लिंटो क्लास का बना चुकी हूँ, जिसका लिंक यहाँ ऊपर पॉपअप होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। तो पहले वो वीडियो देखे, फिर ये वीडियो देखे, तो आपको सारे डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप इसे समझ पाएंगे कि कैसे इसे लेना है और इसकी प्राइसिंग डिटेल क्या है। सब कुछ है पिछले वीडियो में भी, और इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं तीसरे मंथ का एक्सपीरियंस। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज फ्री है, और मेरे वीडियो को बहुत सारा शेयर करिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेटर ड्रेसिंग बुक और मैथ्स बुक सेम है, इसमें ब्रेकफास्ट फ्रॉम द फॉर्म, स्क्रबर डब, ये दो एक्स्ट्रा बुक है। और लेटर ड्रेसिंग से बहुत अच्छा वो लेटर सारा लिख पा रही है, जॉली जॉली राइम्स बुक। और ये है डे 25 का एक्टिविटी, जिसमें दिया हुआ है फॉर्म, वर्ड टाइल्स, लेटर कॉइंस और वर्ड शीट। इसमें बच्चों को वर्ड पहचान के लगाना है और उसको पूरा करना है। मान्या, व्हाट इज दिस? मान्या, फॉर्म। फॉर्म है ना, तो फॉर्म में कौन सा लेटर जाएगा अभी? फर्स्ट में एफ, ओके, एंड उसके बाद ओके, क्या होता है? आई, ओके। तो ये क्या बन गया? फॉर्म। ओके, देन उसके बाद क्या बनाना है बेटा? ख। ओके, तो चलो कैट लगा दो। तो वो क्या बन गया? कैट। ओके, अब ये कौन सा वर्ड है? बा। बा, तो लगा दो बी। उल्टा लगा रही हो, सीधा करो उसको। वो पी हो गया, उसको सीधा कर दो बेटा, सीधा करो उसको इधर से। हाँ, गुड जॉब। ऐसे बी आई आर डी, बर्ड। बर्ड, तो चलो अब यहां से बताना मम्मा को। एफ ए आर एम, क्या हो गया ये? बा। C A T, क्या हो गया? Cat. R A T, क्या हो गया? Rat. ये है डे 26, इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये है मैथ्स की एक्टिविटी और इसमें दो डाइस दिए हुए हैं, और इसी नंबर पे रोल योर डाइस करके जो नंबर आएगा उसे काउंट करके, और ये एग दिया हुआ है, बहुत सारा नंबर वाइज डॉट है इसमें, उसे वहाँ पे रखना है। तो मैथ्स की एक्टिविटी दोनों लेके करना है। कितना आया बेटा? 1 2 3 4। और ये तो कुछ भी नहीं है ना, ब्रोकन एग है ना, तो ये कुछ नहीं है ना, तो ये 4 है। तो 4 नंबर तुम इसमें से निकालो और डालो उसमें। वेयर इज 4 नंबर? कहाँ है 4? अब कितना आया दिखाओ मुझे। वेट, हटाओ, हैंड हटाओ ना अपना। 1 2 3 4 5 6 7 2 and 7 कहाँ है? नहीं, ओनली 7, दोनों को काउंट करके लिखना था ना, ओनली 7। 7 उठाओ, वेयर इज 7? चलो पुट कर दो। 7 7 7 कहाँ है? वही है। और ये आ गया है डे 27, इसमें जो फार्म वाला लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था, सेम स्टैंड पे कुछ रूट वेजिटेबल है और कुछ ट्री वेजिटेबल है, और डाइस रोल योर डाइस करके और वेजिटेबल निकालना है और बच्चों को उस पर लगाना है। हाय हाय मान्या, यहाँ पे रूट वेजेस कहाँ पे है? ए। रूट वेजेस ए। कौन कौन सा वेजी है उसमें बताओ मुझे? अनियन, बीट रूट, पोटैटो, पोटैटो, जिंजर, कैरेट, रेडिश। ओके, और इधर कौन कौन सा है? कॉर्न, पेपर, टोमेटोस, चिली, एगप्लांट, ओकरा। गुड जॉब। हाँ, तो क्या क्या आया? बीटरूट और एगप्लांट। तो चलो लगा दो, पहले
एक रो में रूट वेजिटेबल लगाना है और एक रो में ट्री रूट लगाओ। सेकेंड रो में क्या आया है? क्या आया? एग प्लांट। ओके, तो वेयर इज एग प्लांट? हाँ, तो चलो लगा दो उसको। गुड जॉब। फिर से अब क्या आया है? रेडिश और बेल पेपर। तो चलो उठा लो रेडिश। वेयर इज रेडिश? तो बेसिकली इसमें बच्चों को पता चलेगा कि कौन सा रूट वेजिटेबल है और कौन सा ट्री पे होता है, और ये फार्म रिलेटेड एक्टिविटी है। अब क्या आया? ओकरा कैरेट। ओकरा कैरेट, तो चलो लगाओ ओकरा कैरेट। अब तुम इसको उठाओ, दोनों हैंड पकड़ के उठाओ। और ये आ गया है डे 28 का, जिसमें एक आपको टेबल दिया है जिसमें कुछ लेटर्स हैं, और उस लेटर्स से रिलेटेड आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वेजिटेबल और फ्रूट्स जो भी हैं वो उस पर पेस्ट करना है और बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। कैन यू टेल मी आर से कौन क्या होगा? फ्रूट होगा, वेजी होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा? राइस। गुड जॉब। चलो वहां लगा दो राइस। ये है राइस। हो गया, गुड। एंड बी से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा या ग्रेन होगा? ब्रेड। ब्रेड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, एंड पी से क्या होगा? पास्ता। पास्ता, गुड जॉब। एंड ओ से? ओ से ओ। गुड जॉब। पास्ता के साथ। मान्या, ओट्स क्या है? ओट्स है, ओट्स है ग्रेन। ग्रेन, ओके। और एन से क्या है? Noodles is also a noodles is also a carbohydrate. Good job. Kya hoga? Carrot. Okay. And S se kya hoga? Spinach. Spinach. Okay. And what about T? T for tomato. सी से क्या होगा? कॉर्न। कॉर्न इज अ वेजिटेबल। ओके, और एम से? मिल्क। मिल्क गिव्स अस मान्य कैल्शियम एंड प्रोटीन। ये सबसे नीचे वाला जो रो है वो किसके लिए है? क्या है ये सब? कार्बोहाइड्रेट। उसके ऊपर वेजीज। ओके, उसके ऊपर फ्रूट। उसके ऊपर प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या है? फिश, एग, मंकी, मिल्क। और ये आ गया है डे 29, जिसमें आपको एक रैप बनाना है। ये कुछ ऑर्डर नंबर है और इससे एक रैप तैयार करना है। ये मैथ की एक्टिविटी है, इसमें काउंटिंग करना है और कितने क्या डालने हैं वो काउंट कर करके बच्चों को उसमें डालना है। तो ये मैथ्स की एक्टिविटी है, एक रैप तैयार करना है। हाय मम्मा। यस बेटा। व्हिच ऑर्डर डू यू वांट? आई वांट ऑर्डर नंबर 4। कैन यू मेक फॉर मी? ओह यस। वी नीड 4 स्लाइसेस ऑफ अनियन, 3 slices of carrot, 5 slices of tomato, and 2 is not have veggies. Huh? And okay. 5 slices of cucumber. Okay. Then please make for me. First we need carrots. Carrots? Okay. एज यू कैन सी, ये पहले काउंट कर रही है एंड देन फिर से वेजीज उसमें डाल रही है। तो बेसिकली इसमें नंबर वाइज कितने वेजीज डालने हैं वो काउंट करके और डालती जा रही है, और फिर सिविल मेक अ रैप।
वाव, थैंक यू सो मच, इट्स यम्मी। और ये आ गए हम लोग डे 30, ये लास्ट एक्टिविटी है। इसमें पोर्शन दिया हुआ है, एक प्लेट बना हुआ है जिसमें कितने ग्रेन, कितने वेजिटेबल, कितने प्रोटीन हैं, और उसके कुछ दिए हुए हैं टोकन्स, और उसमें बच्चों को डालना है। सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है इसमें? ग्रेन्स। ग्रेन्स उठा लो। चलो अब इसमें से बताओ कौन कौन सा ग्रेन है वो लगा देना है तुम्हें। क्या है वो? व्हाट इज दिस? ब्रेड है। ब्रेड है, ओके लगा दो। और मम्मा ग्रेन बताओ क्या है इसमें। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। उठा लो। व्हाट इज दिस? इट्स ए ग्रेन। क्या है वो? ग्रेन है। हाँ, क्या है ये? व्हाइट राइस। ओके एंड देन? ब्राउन राइस। ब्राउन राइस, ओके। बिंग बिंग बिंग। क्या है वो? एग प्लांट। और उसको एक और नाम क्या है उसका? ब्रिंजल। ओके और दूसरा वेजीज उठाओ। खीरोट। ओके खीरोट। कैरेट। कैरेट वहाँ नहीं जाएगा, ट्रायंगल वाले में जाएगा। नहीं, यहाँ जाएगा। ओके क्या है ये? बीटरूट। ओके चलो। बनाना। ओके यू लाइक बनाना? ना। तो इससे रिलेटेड पहले उसको क्लास में बता दिया जाता है, उसके बाद से इसकी एक्टिविटी कराई जाती है। इसमें बेसिकली उसे बताना है कितने पोर्शन में क्या चीज खाना चाहिए। ओके प्रोटीन बताओ मुझे क्या क्या है, क्या लगा रही हो वो तुम? चिकन। ओके और ये यहाँ पे इसका प्लेट तैयार कर रही है सारा कुछ उसमें डालने के बाद। व्हाट इज दिस? ग्रेन्स। ये क्या है? White rice. ये? Bread. ये? Brown rice. हाँ. और ये क्या है? Carrot. नहीं, ये क्या है? ये पूरा क्या है? Veggies. Veggies में क्या क्या है? Carrot. हाँ. Beetroot. हाँ. Eggplant. और ये क्या है? Apple. ये क्या है? Fruit. ये क्या है? Apple. Banana. Pineapple. और ये क्या है? Protein. ये क्या है? फिश। ये? चिकन। ये? एग। हाँ और ये आ गया फ्लैश कार्ड जो इस मंथ में उसने कौन कौन सा लेटर सीखा है। माने व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ऑरेंज। तो ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ मेक्स अ साउंड अ। ओके तो ओ से टू और वर्ड बताओ मम्मा को। अनियन। ओके एंड आउल। गुड जॉब। व्हाट इज दिस? ब्रोकली। तो ये है बी। बी 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 मेक्स अ साउंड ब ब ब। ओके तो ब से टू वर्ड बताओ मम्मा को। बैट। ओके ब्रोकली। बटरफ्लाई। हाँ माने व्हाट इज दिस? फ्रॉग। तो ये एफ से स्टार्ट हो रहा है तो एफ मेक्स अ साउंड। ओके तो एफ से टू वर्ड बताओ। फैन। फिश। ओके व्हाट इज दिस? गिटार। तो किससे स्टार्ट हो रहा है ये? क्या जी से टंटा। तो जी मेक्स अ साउंड। ग ग ग। तो गी एंड ग्रेप्स। ओ गुड जॉब। और जेस। और गुड। गुड गुड जॉब। ये क्या है? दो। जॉल में ओ कहाँ पे है? मीटल। मीटल एंड माने ये क्या है? फिग। फिग में जी कहाँ पे है? एंड। एंड। तो सारे मंथ्स में बच्चों को एक फन एक्टिविटी दी जाती है जिसे बोनस बैग बोलते हैं। तो इस मंथ में इसे मिला है ये मैट और पेंटिंग और एप्रन। तो ये मान्य ने पहन लिया है अपना एप्रन, अब उसके बाद करेगी पेंटिंग। ये मेसी मैट जो है उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं क्लीन करके, तो इस पे अगर पेंट गिर भी जाता है तो कोई बात नहीं है, ये धुल जाता है फिर से। तो राइट नाउ उसका मोस्ट फेवरेट है पेपा पिक, तो वही उसको पेंट कर रही है वो। मान्या ये क्या बनाई हो तुम? पेपा पिक।
पेपा पिग। और ये क्या है ग्रीन वाला? डायनासोर। डायनासोर कौन है ये, क्या है ये? डायनासोर बलून किसका है? जॉर्ज। जॉर्ज का। ओके तो ये इसने पेंटिंग कर लिया है और ये अपना एप्रन पे भी गिराई है, मैट पे भी गिराई है। मिस तो ये मैंने उसे पेपा पिग बनाकर दिया था। और ये देखिए बच्चों को जब छोड़ देते हैं पेंट और ब्रश देके तो क्या हाल होता है ये देखिए। एप्रन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसने सारे ड्रेस में अपने लगा चुकी है ये। मान्या अब क्या कर रही हो, उसमें क्या बचा है अब? तो देखा आप लोगों ने कितना एंजॉय करती है मेरी बेटी, और आई होप कि आप लोग ले और आपके बच्चे भी इसी तरीके से एंगेज रहे। और ये फुल ऑन मस्ती भी करवाता है बच्चों को और पढ़ाई भी करवाता है, और लेटर ट्रेसिंग जो कर रही है वो बहुत अच्छे से लेटर सब लिखने लगी है। तो मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आप लोग के साथ, वो अच्छे से लिख रही है। तो बस ये था आज का वीडियो और आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा देखकर। तो आप भी इसे ले और अपने बच्चों को ऐसे ही एक्टिव बनाएं और इंगेज रखें घर में कैसे करना है इसे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मैं मिलूंगी अपने एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।